श्रवण कुमार के माता पिता क्या जन्म से अंधे थे या नहीं, तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही विशेष। तो दोस्तों, श्रवण कुमार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। श्रवण कुमार के बारे में सभी जानते हैं, सभी ने सुना है, पढ़ा है। और श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में भी सभी जानते हैं। सभी को मालूम ही होगा कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। लेकिन क्या दोस्तों, किसी को ये मालूम है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे, कैसे हुए? तो दोस्तों, बहुत लोगों को मालूम भी होगा और जिन लोगों को नहीं मालूम है तो उनके लिए ये विशेष वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। त्रेता युग में एक ऋषि का नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे, तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आवभगत की और सेवा सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम शांतनु और ज्ञानवंती ने श्रवण कुमार रखा, जो पुत्र अपने माता पिता भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैं आपको जानकारी दे पाई होंगी कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्मजात अंधे नहीं थे, वे किस कारण से अंधे हुए थे। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक कहानियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।